यदि आप एक्सेल सीट में प्रोडक्ट नेम के लिए बारकोड लगाना चाहते हैं और बारकोड ऐसा कि बारकोड भी लगा हो और उसके साथ में जो प्रोडक्ट नेम है वो भी नीचे लिख कर आए, तो उसको कैसे करेंगे, चलो आओ सिखा देते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट है और उसकी प्रोडक्ट आईडी है या आइटम कोड है तो उसको हम बारकोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जैसे जैसे अगर हम इसमें चेंज भी करेंगे तो बारकोड भी चेंज होता रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा आइटम कोड है, ये आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट और नंबरिंग दोनों में लिखा हुआ है, तो इसको पहले टेक्स्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट करने के लिए कंट्रोल वन पे करेंगे, सिलेक्शन हमारा है ये पूरा, और टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर इसको हम ओके कर देंगे, तो ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। अब जब जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ देखो हमें ऊपर टेक्स्ट लिखा दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जनरल लिख के दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जनरल लिख के दिख रहा है, जब इस पर टिक करेंगे तो टेक्स्ट दिख रहा है, तो हमारा टेक्स्ट लग चुका है। अब हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, हम इक्वल लिखेंगे और शिफ्ट के साथ में डबल कॉमा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से डबल कॉमा लगाएंगे और हमारा एंड इस पे लगा देंगे। एंड लगाने के बाद में हमारा जो कॉलम होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल को, फिर से हम इसमें एंड लगा देंगे और डबल कॉमा लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और फिर से डबल कॉमा लगा देंगे। हम इसको इंटर करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारा इस तरह से दिखने लगेगा। अभी इसमें बारकोड नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर फॉन्ट नहीं है, तो हम वो भी पूरा सीखेंगे। अगर हम चाहते तो फॉन्ट पहले से इंस्टॉल कर लेते और आपको करके दिखा देते, लेकिन फिर आप परेशान होते, तो इसलिए हम पूरा आपको सिखाएंगे। अब हम कंप्यूटर, ये हमारा लग गया है और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बारकोड नहीं आ रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, बारकोड अभी आएगा। सबसे पहले हमें गूगल खोल लेना है और गूगल खोलने के बाद में हमें ये फॉन्ट को टाइप कर देना है। जैसे ही फॉन्ट को हम टाइप करेंगे हमें कुछ वेबसाइट्स दिखेंगी और हमें fontsforfree.com.net जो भी है इस साइट पे चले जाना है। इस साइट पे जाने के बाद में हमको इस तरह से इस वेबसाइट का होम पेज दिखेगा और यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ फ्यू सेकेंड्स लगेंगे और ये हमारा यहाँ डाउनलोड हो गया है। और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, जैसे ही हमें ओपन करने को मिलेगा और यहाँ पर हम स्ट्रैक ऑल कर देंगे। स्ट्रैक ऑल करने के बाद में हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, ओपन टाइप पे जाएंगे और ये हमारा फोल्डर रहा, राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और इसको इंस्टॉल होने दीजिए, इंस्टॉल हो गया है। और अब हम अपने एक्सेल को खोल लेंगे। एक्सेल को खोलने के बाद में अब हमारा जो बारकोड था अभी ये बारकोड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस हमें वहाँ से फॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो देखिए हमारा फॉन्ट आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल में बारकोड लगा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया हो, अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। थैंक यू।